Hey everyone, welcome back to another video. और ये वीडियो स्टार्टिंग में ही आप लोग जो क्लिक करके आए हैं सही देख करके आए हैं बारबेक्यू नेशन में डिस्काउंटेड प्राइस पे आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं. एंड बहुत लोग ABS वर्सेस बारबेक्यू नेशन चाह रहे थे, ठीक है. अब मेरे को मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उस दिन कंपेयर करके बता दिया था, बट आज चलो दिखा देते हैं क्योंकि उस वक्त जो मैंने शूट किया था वो उस लेवल की बात थी. आज जो देखते हैं कि क्या है. और यस, ये 599 वाला डील क्या है ये हम आप लोग को बाद में बताएंगे, ठीक है. अभी वीडियो इन्जॉय करो और हम लोग क्या क्या ट्राई करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे. बाकी बाद वेज एंड नॉन वेज हम लोगों ने दोनों लिया है और लेट्स सी क्या होता है आगे. सो ये यहाँ की सिग्नेचर डिश क्रिस्पी कॉर्न्स, और वहाँ पे वेज में सब हो गया तो वेज में क्या क्या आइटम है वो हम आपको दिखाएंगे. नॉन वेज उधर लगा तो उधर नहीं नहीं वहाँ सिर्फ वेज रहेगा. फिश खाते हो आप? हाँ हाँ. क्रिस्पी कॉर्न्स दीज आर नाइस स्वीट एंड क्रिस्पी. Thereby moving on to the Cajun potato. भेज देंगे आप लोग केक के? हाँ. तो इसको निकाला जाए. वेज वाले कुछ आइटम्स है तो एक ही प्लेट पे निकाल लेते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये ग्रीन सोया चाप और ये मशरूम. सो इसके साथ डिप भी है. डिप ट्राई करते हैं और तीन दो तरीके की डिप लग रहा है. एक तो मोमो चटनी जैसे दिख रही है, पता नहीं क्यों. पनीर पर ट्राई किया जाए. तंदूरी चिकन. जिसको मैंने ये मोमो वाली चटनी बोला ना ये लिटरली स्पाइसी है. मतलब मोर ओवर लाइक जैसे तीखी सालसा होता है ना उस तरीके से फील कर रहा है. बाकी बाद पनीर मेरे को पहली बार देखो पनीर का टिक्का जो मेरे को लगता है कि ओवर हाइप किया गया है. कभी कभी उसमें मसाले का फ्लेवर थोड़ा कम आता है बट ठीक है. मशरूम्स के बारे में एक बात बोलूँगा, अच्छा ही है कि बहुत जगह कैन मशरूम यूज़ करते हैं ना तो ओवर कट्टा लगता है मशरूम, बट ऐसा यहाँ नहीं है. एंड मूविंग ऑन टू द सोया चाप, दैट वॉज अ बिट सो सो. टेक्स्चर वाइज सोया चाप अच्छा है बट मैरिनेशन फिट नहीं बैठी उसमें. स्पीकिंग ट्रूली ब्रोकली क्या बताऊँ, मतलब कि मैं इतना बड़ा पीस को सोच रहा था काट करके खाऊं, बट आपने देखा एक बार लेना पड़ा. इसका जो स्टेम्स है थोड़ा सा मतलब कि टफर होता है शायद से. मोर ओवर थोड़ा ग्रीन भी तो होता है. एंड ये इनका वही ब्रोकली के साथ ही अमेरिकन कॉर्न था शायद, और इसके साथ कुछ घी बटर कुछ तो लग रहा है वाइट वाइट सा. लेट्स सी. बटर नाइस लाइमी फ्लेवर. एक अमेरिकन स्टैंड कॉर्न को मतलब कि रोस्ट किया गया है उस तरीके से फील कर रहा है. दैट्स गुड. इस बीच मुझे क्या क्या सर्व हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. सो दैट्स द तंदूरी चिकन, ठीक है. और ये हरा भरा कबाब जो कि मैं ट्राई करना भूल गया था. अच्छा. और ये दही गोलगप्पे, एकदम सच्चे सच्चे बोलूँगा ये वो वाले गोलगप्पे नहीं हैं जो मतलब कि मार्केट में मिलते हैं, ये रेडीमेड वाले. लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ के प्रिपरेशन के हिसाब से यही एक फिट बैठ सकता है. बाकी वादा लस्सी. दही की फीलिंग तो बहुत अच्छी है. तंदूरी चिकन के साथ साथ मिला था दही के कबाब एंड चिकन सीख कबाब. लेट्स ट्राई दिस. एंड देयर बाय हमारे ड्रिंक्स आ गए हैं. पैसिफिक ब्लू लेडी इन रेड. पैसिफिक ब्लू एंड ये क्या लेडी इन रेड.
और यहाँ पे फूड आया जा रहा है। और यहाँ पे पहले एक थीम हुआ करता था फ्लैग वाला, जिसमें कि यहाँ पे फ्लैग रखा जाता था और फ्लैग को आप जैसे डाउन करते थे ऑन टेबल फूड आना, मतलब जो ग्रिल वाला आइटम है वो आना बंद हो जाता था। और बाकी बाद आप फिर उसके मेन कोर्स वगैरह के लिए प्रोसीड कर सकते थे, बट यहाँ पे भी फ्लैग का डिफरेंस है, वो फ्लैग वाला कंसेप्ट शायद से हटाया गया है। बाकी बात इसके अलावा अगर आपको कोई अगर मॉकटेल कॉकटेल वगैरह आई डोंट थिंक सो कॉकटेल मिलता हो, बट आपको चेंजेस आया हो तो आई डोंट नो, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ये एक ड्रिंक आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, तो बाकी बात चलो इसको ट्राई करते हैं। ओके, वक्त है हाथ गंदे करने का। सो दीज आर द दही के कबाब। एक्सट्रीमली क्रीमी, मतलब कि मोर ओवर ये दही फील हो ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल लग रहा है कि पनीर है जैसा। ठीक है, इतना गजब का हंग किया गया है। हालांकि इसमें एक स्लाइटली स्वीटनेस है जो कि शायद कबाब में मैं शायद प्रिफर नहीं करूँगा, थोड़ा सा ये सॉल्टेड साइड पे होता तो अच्छा लगता है। मूविंग ऑन टू द चिकन सीख कबाब। क्वाइट सॉफ्ट। ये मुझे रिपीट मेंशन करने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये एक ही मिलेगा, तो प्लीज़ यूज़ इट वाइजली, आराम आराम से पीना। और ख़त्म हो जाएगा तो भाई पैसा ज़्यादा है ऑर्डर कर सकते हो, नहीं है तो मेरा बताया ट्रिक यूज़ कर सकते हो। क्वाइट रिफ्रेशिंग, लाइम का बहुत अच्छा फ्लेवर और जो ओशियनिक ब्लू वाला, मतलब जो ब्लू लगून वाला जो फ्लेवर आता है ना वो फील है अच्छा। हालांकि ये थोड़ा सा स्वीटेस्ट साइड पे ज़्यादा है जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तंदूरी चिकन। बहुत टेंडर, बहुत ज़्यादा टेंडर। सो फटाफट से एकदम नॉनवेज टुक पड़ते हैं और निकालते हैं नॉन वेजेस। ये वाला चिकन है और ये फिश, ठीक है। फिश इनकी काफ़ी सॉफ्ट होती है, मतलब बासा फिश कहीं पे भी ऑन व्हील, वाओ। एंड द प्रॉन्स, ओके चलो। तो अब टूट पड़ा जाए, बाकी बात तंदूरी चिकन हमारा दोबारा आ गया है, ठीक है। काफ़ी क्रिस्पी चीज़ है यार ये, बहुत शानदार। सो दीज आर द प्रॉन्स एंड हरीसा प्रॉन्स बोल रहे थे, लेट्स सी। प्रॉन्स आर नाइसली कुक, अच्छा लग रहा है एंड जैसे काफ़ी क्रंची टेक्सचर है, नाइस। बाकी बात देखो फिश का टेक्सचर के बारे में क्यों बात कर रहा था, ये देखो बिखरने वाला टेक्सचर होगा एकदम, ठीक है। देखो टूट गया, पता मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इससे टूटेगा, इसी से ही टूट गया। ओके, बहुत सॉफ्ट लग रहा है एकदम। बाय द चिकन थाइस के स्मॉल कट्स, नाइस। हालांकि ये पैर तो कुछ ज़्यादा देर लग गए, तो थोड़े से सूख गए थे, ठीक है। अभी जितना कुछ था ना हम लोगों ने सफिशेंटली खा लिया है, अगर बाद में मतलब कि दोबारा मन करेगा स्टेटस का तो देख लेंगे, जोरी थोड़ी स्टेटस स्टार्ट करने के टाइम ही खाया जाए क्या दी। चलो तो ये आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा सा इनका चार्ट काउंटर है, जो आपका दही पापड़ी वगैरह सब सारा कुछ बन के आया था ना वहीं से आया था। खैर अभी मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ, ये वो काउंटर है जिसके लिए मेनली यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, ठीक है। इनका जो फेमस है एक पान कुल्फी, हम लोग यहाँ टोटल अभी 5 लोग आए हुए हैं एंड अभी 5 पान कुल्फी बनवाते हैं पहले तो, और बाकी बाद में देखेंगे। पान कुल्फी यहाँ की बहुत फेमस है, आप आओ जरूर ट्राई करना एंड थैंक मी लेटर। सो दैट्स द पान कुल्फी, 5 पीस लाया था, 3 गायब हो चुका है और ये लास्ट का मेरा बचा हुआ है। पान का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट और एक जो सुपारी वाला जो फ्लेवर आता है वो भी थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है अंदर पे। मस्ट ट्राई, आप आओ इसको जरूर ट्राई करना। और बाकी बात उनके पास कुल्फी का लवल अवक से भी 6 से 8 फ्लेवर है, तो यू कैन ट्राई इट। पान का बहुत सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, ओरिजिनल पान लग रहा है एकदम, लग रहा है ना पान जमा खा रहे हैं। हाँ जमा हुआ पान है।
सो स्टार्टर्स का ओवरऑल बात करूँ, टेस्ट वॉज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सारा का टेस्ट बहुत अच्छा था। सोया चाप में थोड़ा सा बस मसाला का कमी लगा, बाकी सारी चीज़ों का टेस्ट ऑन टॉप नॉच, सभी चीज़ें बहुत अच्छी। अब बाकी बात बोलूँ तो मेन कोर्स देखना है, मेन कोर्स के बारे में देखेंगे कि क्या सीन है। और बाकी बात बोलूँ तो मैं बारबेक्यू नेशन कितने वक्त बाद आ रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, 2021 में आया हुआ था मैं, यानी कि अभी से 2 साल पहले, ठीक है। तो 2 साल पहले से लेकर के अभी तक का सीन, टेस्ट में अगर मैं बोलूँ कोई डिफरेंस नहीं है, टेस्ट बिल्कुल वैसा चला आ रहा है जैसा 2 साल पहले था। और बाकी बात मेन कोर्स के साथ आपको बताएंगे। और इनका जो मेन्यू है ना, मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस डेली वाइज बदलता रहता है, बट अप्रोक्सीमेटली द कोर डिशेस बीइंग द सेम, और बाकी सारा कुछ थोड़ा थोड़ा जो बदलता होगा तो उतना के लिए अब क्या ही बोलेंगे। बाकी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं मस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ, वो यहाँ रेगुलरली मिलती है, तो उसके लिए आप मत सोचना कि भाई ये मैं जाऊँगा तो मिलेगा या नहीं, तो वो चीज़ हो जाता है। हाँ, मेन कोर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलने वाला है। एंड वहाँ पर मुझे एक कौन सा फिश मिला था आदि, हाँ गार्लिक बटर कुछ था, हाँ गार्लिक बटर सॉस ऐसा कुछ था, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा विदेशी वाइब दे रहा था। तो वी विल सी कि कैसा उसका टेस्ट होगा, कुछ नया होगा ट्राई करने के लिए मेरे पास। बाकी बाद मेरा मोहितो फ़िलहाल इतना बचा हुआ है तो ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं देखते हैं, उसके बाद आपको भी दिखाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अभी ब्राउनीज एंड वो सब का प्लान है, आगे रहे क्यों। चलो अब देखते हैं, ब्राउनी विथ वनीला आइसक्रीम ट्राई करेंगे, लेट्स गो। ध्यान से देखिए, क्या देखना है, खाया पिया कुछ नहीं है भाई। देखो पहला बात, बुफेज किसके लिए होता है, मेनली जो नॉनवेज लवर है ना उनके लिए होता है, और बकवास कर रहा है गाइस, और बाकी वेज वाला लोग के लिए तो कम होता है, बट स्टिल ये नॉनवेज होने के बाद भी प्रॉन्स फिश किस बात का नॉनवेज है तुम बताओ। चलो चिकन वाला नॉनवेज लो, ऐसा कोई नॉनवेज नहीं होता गाइस। 5 को कर ले, 6 कर ले, 6 का क्या करेंगे, 5 आदमी है तो 6 हो गए, इसलिए बोल रहा हूं। फिर सर कब हुआ ले रहा है, ये वाला फीलिंग, आइसक्रीम ले लीजिए आइसक्रीम, परफेक्ट गोला। ये हुआ बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी नहीं लिया जाएगा इसके साथ, अच्छा नहीं लगेगा, बंद करो इसको। देखो ये स्कूप करने से आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कितना क्या पसंद है, चॉकलेट का सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी का डिमांड है, उसके बाद वनीला का, और बटर स्कॉच का सबसे कम डिमांड है। ये कम होने लगा भाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारा कुछ ले लिया हमने, ऑन सीट पे बैठ के खाएंगे खड़े। देखो बुफे है, इसका मतलब ये नहीं है शादी पार्टी की तरह खड़े होकर खाना है, अपना टेबल प्लीज़ पकड़ ले यहाँ से लेने के बाद। चलो बहुत प्यार से सजा के लाए थे, तीनों गोला अपना जगह से बिखर गया है। खैर तो जनरली लोग ब्राउनी के साथ वनीला वाला ट्राई करते हैं, मेरे को चॉकलेट आइसक्रीम के साथ ट्राई करना है, चॉकलेट फुल चॉकलेट। सी इंस्टाग्राम वाली रील पे जितने चीज़ें वायरल होती है ना, मुझे नहीं मतलब है, बट ये वो है ना जो कि भाई वर्थ द हाइप है एकदम। ये आप ट्राई करो, कोई भी आइसक्रीम के साथ ट्राई करो यार, कोई भी आइसक्रीम के साथ ट्राई करो, मज़ा पूरा है। तो आदि पेट में कितना एडजस्ट हुआ, सब चीज़ सब सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है ना, कितना अभी मीटर बताओ मीटर में क्या बताया जाए, ऐसे होता है ना यार गाड़ी का टंकी में EF होता है ना, ऐसे बताओ अपना डायल बताओ, अभी चलेगा, अभी बहुत ज्यादा चलेगा, परसेंटेज पे बताओ, परसेंटेज पे 40% फुल हुआ है अभी तक। चलो ठीक है फिर, मतलब कि मेन कोर्स का जगह है। हाँ चलो फिर बढ़िया। सो दैट्स द मेन कोर्स एरिया, काफी कुछ है यहाँ पे, मतलब कि इंडियन ही मेनली यहाँ पर आता है। और इसमें जो मैं फ़िश के बात कर रहा था ना, ये कहाँ गया, ओके हाँ, फिश इन गार्लिक बटर सॉस एंड हैव अ लुक, कुछ अलग लग रहा है ना, तो यही क्या प्लेट पे भरा जाए।
सूप लेना है, ले सकते हैं पीली जगह चिकन सूप, चिकन सूप हम मोमो के साथ नहीं लेते हैं भाई, यही चिकन सूप पीएंगे, चिकन सूप रहने दे रहे हैं भाई, पेट भर जाएगा, डायरेक्ट फोकस किया जाएगा, एक अलग प्लेट लेंगे मिठाई के लिए। चलो आपके दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये है इनका चिकन सूप, मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छा होने वाला है। बाकी वादा बिरयानी देखो, देखो काजू और बरिस्ता पहले पहले निकाल लो, बस हो गया, दैट्स इट। चिकन कोफ मारी और मटन डक डक यार लो डक बंगलो, डक बंगलो क्या होता है नहीं पता, ऐसे तो पोस्ट ऑफिस को बोलते, पोस्ट ऑफिस ना, हाँ। अंडा एंड मछली, अंडा फिर से एक अंडे, नो ये चिकन फ्राइड राइस इतना ही लेते हैं भाई, ज़्यादा हो जाएगा, क्या बोलता है अभी? हाँ हाँ खाने पे फिर इसके बाद ये तो फ्राई करना बनता है, कुछ यूनिक है यहाँ, फ्राई करके बताइए कैसा। बात तो है, पापड़ पापड़ में दो लेगा, पापड़ मेरे को ज़्यादा पसंद है, रुको हम इसको रख के आ रहे हैं गाइस, ज़्यादा हो जा रहा है, जगह नहीं है। ओके अब नॉन वेज स्किप कर चुके हैं, वेज पे दिखाते हैं, ये इनका वेज नूडल्स, बुफे का नूडल्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहली बार है ना जी, हाँ बहुत अच्छा ग्लेस कर रहा है, सही टाइम में स्मेल भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, बार्बिक्यूलेशन ने अपने मेन कोर्स पे लगता है बहुत ध्यान दिया है, एंड वेज डम्पलिंग विद मंचूरियन सॉस है तो मंचूरियन ही, इसके बाद और क्या बचा है, शेफ स्पेशल क्या है, स्पेशली प्रिपेयर्ड कंजेशंस दाल एंड छोले, छोला लिया जाएगा, इधर लिया जाएगा, चावल का आइटम बहुत ज़्यादा नहीं ले ले रहे हैं, ये मेथी मटर मलाई एंड पनीर लबाब दाल, मेथी मटर मलाई बहुत खा रही है, बहुत दिन से खा रहे हैं गाइस, यू कैन आस्क फॉर द ब्रेड, जैसे कि आपको नान वगैरह चाहिए तो आप नान वगैरह के लिए बोल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको सिर्फ राइस ही खाना पड़ेगा, ठीक है, आप इन्हें बोल दीजिए पर इतना खिला चावल दाल मखनी कच्चे भी गर्म है, अभी भी भरा है क्या यार, कहाँ निकल रहा है ये वेज बिरयानी और सूप, नहीं बाद में लेंगे, लास्ट में आराम से लास्ट में खाया जाएगा, चलो भाई एक चम्मच का कमी था, मीठा अलग से आपको दिखाएंगे। सो दीज पीपल आर एंजॉयिंग द फूड, कैसा लग रहा है बताओ, नाचने नहीं बोले ये खुशी के डांस है, वेरी नाइस, ऐसा कौन सा खुशी का डांस होता है, मटन बहुत अच्छा है, मटन बहुत अच्छा है, हाँ मटन बहुत अच्छा है, हम मटन नहीं लिए, हम पीयर प्रेशर में काम नहीं करते कोई बात नहीं, आदि दिखाएगा ना, आदि खाएगा, तो ये दोनों आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सारा कुछ वेज पड़ा हुआ है, इसमें सारा कुछ नॉन वेज पड़ा हुआ है, और पहले वेज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि नॉन वेज का फ्लेवर थोड़ा इंटेंस होता है, बाकी बात आपको मटन आदि दिखाएगा, लेट्स बिगिन विद द नूडल्स, अच्छा बस इसमें थोड़ी सी एक विनेगर की हीक ज़्यादा आ रही है, थोड़ा सा बहुत लिटिल, ठीक है उतना माइनर है, बाकी टेस्ट अच्छा है, वेज मंचूरियन नाइस, बस फ्लेवर बहुत इंटेंस नहीं है इसमें, स्लाइटली स्वीट है, एंड ओके चाइनीज़ को लेकर के उतना फैंटेसाइज नहीं करूँगा इसमें, ठीक है, एंड पनीर तो भाई सही बताऊँ पनीर लबाबदार
उठाते वक्त ही इतना सॉफ्ट लग रहा था ना, क्या बताऊँ। वैसे ये लोग मुझसे पूछ करके गए हैं कि आपको कौन सा ब्रेड चाहिए, तो मैंने नान के लिए बोल दिया है, बटर नान आता ही होगा तो आपको दिखाएंगे। पनीर लबाबदार अच्छा है, एक होम स्टाइल ग्रेवी का फील दे रहा है सही से बताऊँ तो, और नाइस। मसाला छोला ट्राई करते हैं। इसमें एक अच्छा सा टैंगीनेस है। मोर ओवर ग्रेवी के बेस के हिसाब से बोलूँ ना तो ये पनीर से थोड़ा बेटर बनाया गया है इसको, और थोड़ा लटपट सा है, मसालेदार है, नाइस। मूविंग ऑन टू द नॉनवेज पार्ट, आर यू अ पापड़ फैन टू? बाय द वे ये फ्राइड वाला है, तो मतलब फ्राइड वाला नहीं है, सेका हुआ है। तो पहले फिश को ट्राई करते हैं क्योंकि कुछ नया है, ठीक है। बटर गार्लिक क्या था आदि फिर बोलिए हम यार। गार्लिक सॉस, हाँ गार्लिक बटर सॉस बोलो ना। ये पूरा पूरा फ्रेश फ्लेवर्स वाला खेल है, और जैसे फिश को रखा गया है फॉर द बॉडी, जैसा कि ये आपको एक बाइट दे सके, एंड बहुत अच्छे से इसमें जो फ्रेशनेस आ रही है चिलीज की, गार्लिक का एक माइल्ड सा जो एक टेक्सचर होता है जो बटर के साथ थोड़ा सा क्रीमी आता है वाला फील है, एंड सॉल्टेड जो आपका टेस्ट आता है ना वो पूरा पूरा बटर का ही फील है। चिकन फ्राइड राइस ओके। तो इसमें से जो नूडल्स वाला फील था ना, मतलब कि एक साथ इनकी कुछ रेडीमेड सॉस या प्रिपरेशन सॉस होगी कुछ, वो सेम के साथ ही इन दोनों को टॉस किया गया है, तो सेम टेस्ट लगभग से उसमें भी आ रहा है। बाकी बात ये देखो हमारी नान आ गई, सी पतले पतले नान है, बहुत अच्छे हैं, एकदम टाइमिंग पे आई है। मैं आपको चिकन दिखा सकता हूँ इनका, तो ये शायद से चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया है मैंने। ओके मुझे इनकी ग्रेवी बहुत अच्छी लग रही है सही बताऊँ तो। धनिया का बहुत अच्छा उमड़ता फ्लेवर, बहुत फ्रेश फ्लेवर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक लाइट ग्रेवी वाली चिकन जो जिनको पसंद आती है ना, थोड़ा सा फ्लोइंग एंड अच्छा टेस्ट करती है, ये बिल्कुल ऐसा। अब बारी है लास्ट में चिकन बिरयानी का, मटन तो खैर आपको आज दिखाएगा। मैंने स्मार्टली ऊपर से काजू वाला पीस उठा लिया है। बिरयानी मुझे फ्राइड राइस से ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिरयानी क्वालिटी एज पर बूफे, बूफे से बहुत अच्छी है, ठीक है। बिरयानी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और बात करूँ चिकन की तो चलो भाई ओके, सॉफ्ट चिकन है, नाइस। अब बात बचा बस मटन का, मटन आपको दिखाएगा आगे। नहीं टूटेगा क्या? हाँ टूटा, हाँ तो तोड़ लो भाई, तोड़ने वाला चम्मच है ये? नहीं नहीं नहीं, ये पीसी तोड़ने वाला नहीं था, दोनों पीस हम काफ़ी वो क्या बोलते हैं सॉफ्ट वाला लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मटन सॉफ्ट है, यम्मी है, बहुत काफ़ी अच्छा है, मतलब जो एक बफे में होना चाहिए वो है। हम लोग बाकी बफे में जैसे खाए हुए हैं टेस्ट उससे थोड़ा इंटेंस है, और सॉफ्टनेस काफ़ी है, एंड बफे के हिसाब से बहुत अच्छा बोलेंगे। सो मेन कोर्स में मैं क्या क्या सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, ये राइस एंड दाल मखनी, एंड साथ में चना मसाला जो है आपका, पापड़ वगैरह तो जैसा है वो अच्छा ही रहता है, और बाकी बोलूँ इनकी चिकन करी जो है ये, मतलब क्या था, चिकन डाक बंगलो यही नाम था ना, चिकन कोटमारी का, हाँ चिकन कोटमारी जो भी, हाँ तो ये बहुत अच्छा है। बिरयानी भी बहुत अच्छी है, एंड ये थोड़ा सा आपका स्टार्टर्स वाले टाइप की ग्रेवी में है, ठीक है, तो ये भी अच्छा है, बट ये आपको अंडरस्टेबल ज़्यादा लगेगा कि या नहीं लगेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं है, माइल्ड है, ठीक है। बाकी बात टेस्ट इसका अच्छा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और नान इनका, हाँ नान ट्राई करने लायक है क्योंकि नान की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये सब फिनिश करके हम लोग अपने स्वीट्स पे बढ़ते हैं, तब आपको दिखाएंगे।
और ये कुछ लोग खा के हो चुके हैं डाउन, 4 इंच पेट बाहर निकल चुका है, मोटापा यहीं से जन्म लिया है क्या? पीस पीस के लिए रिप बोलो ना, ज्यादा अच्छा लगे। सो ये जो हैप्पी बर्थडे वाला सीन है वो यहाँ भी है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड का या फिर किसी भी अपने फैमिली मेम्बर का या किसी के साथ जिसके साथ भी आए, आप यहाँ पर अपना हैप्पी बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड सी द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, लाइक कितना अच्छा से सुगर डेकोरेशन किया गया है, हैप्पी बर्थडे इतना ब्यूटीफुल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ होगा, जो कि बारबेक्यू वेजिटेशन का, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, कस्टमाइजेशन इज एट इट बेस्ट, ठीक है। मतलब कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद आई तो ये लोगों ने मुझे आस्क किया कि आपको क्या चीज़ अगर कोई कमी वगैरह लगी हो, तो मैंने नूडल्स के लिए बोला एक थोड़ा सा हिट है, विनेगर का थोड़ा सा पंच है। दे सेड कि सर रुक जाइए, हम आपके लिए दोबारा से बना के ला दे रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स लाइक उन्होंने दोबारा से लेकर के आया, और आदि को मंचूरियन थोड़ा सा फीका लगा था जैसे कि मैंने बोला था, तो मंचूरियन के लिए आदि ने बोला, तो आदि आपको मंचूरियन ट्राई करके बताएगा क्योंकि अब मंचूरियन भी आया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, तो नूडल्स ट्राई करते हैं। अब बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है, मतलब विनेगर का लेवल अब बैलेंस है और वेजिस का फ्लेवर प्रॉपर आ रहा है। चला दे भाई, ट्राई करो। कैसा लगा? पहले तो काफ़ी बिटर है, उसमें तो बहुत ज़्यादा स्वीट साइड पे जा रहा था, अभी परफेक्ट ब्लेंड है, मीन्स स्वीट और सॉरी और तीखापन परफेक्ट जा रहा है अभी। चलो तो अभी ये सब फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे स्वीट्स। क्या बेकरी खोले यार, ये कौन सा है? मूंग दाल हलवा निकालो, एंड गुलाब जामुन भी, यस गुलाब जामुन भी निकलेगा। हो गया, वो तो नहीं पसंद है हमको। चलो भाई, केसर फिरने से पहले पहले बढ़ा जाए। मीठा का यहाँ भी बहुत ऑप्शन है, जैसा कि हर बुफेज में होता है। केसर का बहुत अच्छा नोट। फ्रूट्स मैं नहीं खाने वाला हूँ, मेन आइटम पे सीधे बढ़ते हैं। ये द पायसम खीर, मोर ओवर जैसे हम इसको नॉर्मली अगर समझे तो सेवई बोलेंगे। नट सेकेंडली जेली बली, बचपन याद करने का कोशिश। अच्छा एक्चुअली बोलूँ तो ये प्रॉपर वो वाला ही जेली है जो बचपन में मिलता था। आजकल बहुत जगह ना जैसे ट्राई किया था, लास्ट हमने जो ऐसा कुछ जेली जैसा ट्राई किया था ABS में, एंड दैट वाज अ बिट हार्डर, इससे तो थोड़ा हार्ड था, ये थोड़ा ज़्यादा, समझ गए ना? हाँ। और ये मैंगो पेस्ट्री, नाइस। मूंग दाल हलवा थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है, लिटिल बिट, बाकी बार ट्राई कर लेते पहले। थोड़ा सा ही ड्राई है, बाकी टेस्ट वाइज ऑन पॉइंट है,
स्वीटनेस भी उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, बाकी बात थोड़ा सा और ग्रीस में बढ़ जाता तो स्वाद में चार चांद लग जाते। तो स्वीट्स का ये कहानी है, अब ये सब फिनिश करते हैं, उसका जो छोटा मोटा बात है वो हम लोग बताएंगे, बाकी बात स्टार जो है उसको मिस नहीं करते हैं, द गुलाब जामुन, अंगूरी गुलाब जामुन। So that's अंगूरी गुलाब जामुन was worth the hype and everyone is enjoying the food. तो सबको फिनिश कर लेने देते हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आज का जो हमारा था 599 वाला में कैसे हो गया है ये सारा कुछ, मतलब कि पर हेड पे, ठीक है? तो चलो फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। सो मेरा तो ये थर्ड एक्सपीरियंस था मतलब कि बारबेक्यू नेशन में, तो मैं तो बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा था, और एज यूजल मेरा बाकी टाइम से और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस है आज के लिए। एंड आदि का यहाँ आज पहला एक्सपीरियंस है, तो आदि के लिए पूछते हैं कि आदि को कैसा लगा? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फूड स्टार्टर में तो काफ़ी अच्छा लगा, मेन कोर्स में भी सही था, बट मेन कोर्स खाते ही पेट भरने लगता है बहुत ज़्यादा, बस हाँ। दो चम्मच खाए पेट भरने चालू हो जाए, तो स्टार्टर में जितना खा सको उतना खा लो, उसके बाद ही मेन कोर्स पे उतरो, और स्वीट कभी मत छोड़ना भाई, स्वीट के लिए हमेशा जगह बना के रखो। सो अभी लगभग से पेट एकदम फटने के कगार पे है फिलहाल, बस इतना सा स्पेस बचा के रखें जिस जो कुल्फी में जाएगा, क्योंकि पान कुल्फी ट्राई किया है बट बाकी टाइप की कुल्फी अभी भी बाकी है, तो उसके लिए इतना सा स्पेस बचाया हुआ है, तो वो ट्राई करते हैं और उसके बाद यहाँ से पे वे करके निकलेंगे। तो अब बात करते हैं 599 में कैसे बुकिंग हुआ। तो मंडे एंड ट्यूसडे का आप लंच टाइम पर जैसे ही बुकिंग करोगे तो आपका डजेंट मैटर आप स्टूडेंट हो नहीं हो, आपका ये बुकिंग मतलब 599 में हो जाएगा और पर हेड पे, वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो आपके ऊपर है। एंड सो कॉल्ड आपका एक फ़ायदा भी हो जाता है कि आपको स्टूडेंट ऑफर की जरूरत नहीं है, नो स्टूडेंट आईडी, नथिंग एंड जस्ट 599, सो यू कैन एंजॉय दिस। एंड मोस्टली ये सभी जगह पे ही होता है बारबेक्यू नेशन के आउटलेट्स पे, आप फिर भी अपने जगह का अपने लोकेशन के लिए आप अपने बारबेक्यू नेशन का पता कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये ऑफर आपके पास होना चाहिए क्योंकि मंडे एंड ट्यूजडे को ये लोग देते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिलहाल मेरा पेट पूरी तरीके से भर चुका है और मैं बोलने के भी हालत में नहीं हूँ। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा, और सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है? चलो बाय।